दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को भारतीय टीम का शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाला पहला टेस्ट मुकाबला बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में आगे किया था, तो वहीं साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना रहे हैं और इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से थोड़ा आगे है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज के हुए दोनों सत्रों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविचंद्र अश्विन और मोहम्मद सिराज में से आप किसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पहले दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से काफी आगे कर दिया था, जिसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले दिन एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस मुकाबले का दूसरा दिन पूरी तरीके से बारिश के नाम रहा और मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। हालांकि दूसरे दिन का मुकाबला धुल जाने के कारण ये टेस्ट मैच और भी ज्यादा रोमांचित बन गया। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीतने के मकसद से गई टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से ज्यादा जोर लगाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कल यानी तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय टीम को इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से बेहद आगे लेकर चले गए और पहली पारी में भारतीय टीम ने 130 रनों की शानदार बढ़त अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, आज उम्मीद से उल्टा प्रदर्शन करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। पहले सत्र में बल्लेबाजी करने आए कल के दिन नाबाद लौटे केएल राहुल और नाइट वॉचमैन शार्दुल ठाकुर ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन अपने निजी स्कोर 10 रन पर शार्दुल ठाकुर कगिसो रबाडा की गेंद पर स्लिप में कैच देकर चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने आते ही एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और अपने फॉर्म में होने का परिचय दिया, लेकिन लुंगी एनगिड़ी की एक गेंद पर कगिसो रबाडा ने उनका कैच छोड़कर उन्हें एक जीवन दान दे दिया। लेकिन उसके बाद पहले दिन के शतकवीर रहे केएल राहुल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और मात्र 123 रन बनाकर इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे लुंगी एनगिड़ी का शिकार बने। दोस्तों, इसके बाद मैदान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आते ही कुछ दर्शनीय शॉट लगाए जिनको देखकर उनके प्रशंसक बेहद खुश नजर आए और चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे सत्र में और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि टी के बाद बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से शतक बनाने में नाकाम रहे और इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे मार्को येनसेन की दूसरे सत्र की पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए। आपको बता दें कि 2020 और 2021 में विराट कोहली ने अब तक एक भी शतक नहीं लगाया है। ये दोनों साल ही विराट कोहली के लिए बेहद ही निराशाजनक भरा रहा। वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे भी इस बारे में कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि वो तेज गति से जरूर बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 23 गेंदों में ही 20 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद उसी ओवर में वो भी कैच आउट हो गए और भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 111 रन ही था। लेकिन यहां से भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविचंद्र अश्विन ने पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने भारतीय टीम का स्कोर 146 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों में 20 रनों का स्कोर बनाकर मैदान में टिके हुए हैं और वहीं रविचंद्र अश्विन भी 16 गेंदों में 14 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 बेहतरीन चौके भी लगाए और वहीं भारतीय टीम को 146 रन के स्कोर पर ही 7 झटके लग गए और कल सुबह के बाद आज एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका को 276 रनों से आगे है और अभी ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी मैदान पर टिके हुए हैं। आपको बता दें कि रविचंद्र अश्विन को मैदानी अंपायरों ने एक बार गलत डिसीजन देकर आउट करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रिव्यू लेकर गलत साबित कर दिया, लेकिन दूसरी बार वो नहीं बच सके। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से अभी भी आगे है और गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को इस टेस्ट सीरीज में पीछे छोड़ पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।